अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पूरे एक महीने की छुट्टी के बाद अपने हॉस्पिटल की फर्स्ट डे को ज्वाइन कर रही हूँ। मैं बैंकस्टाउन हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैंने छुट्टियाँ ली हुई थी। मेरे बेटे की शादी थी, मेहमान आए हुए थे, मेहमान लंदन, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान से आए हुए थे। अभी भी मेरी बहन जो पाकिस्तान से आई है दिलशाद नसीम मेरे साथ ही हैं और उसने 12 दिसंबर को जाना है। जब तक हम मज़ीद एक खुशगवार सा वक्त जो है हम गुजारेंगे, तो आज से मेरी जॉइनिंग है। आज है 27 नवंबर, मंडे का दिन, और मेरी ड्यूटी शुरू होगी 8:30 पे और इस वक्त टाइम हुआ है 8:15। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी कार पार्किंग दिखाऊं। ये बैंकस्टाउन हॉस्पिटल है, ये आपको दूर से नज़र आएगा, मैं किसी दिन आपको ज़रूर अंदर से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बैंकस्टाउन हॉस्पिटल है और ये इसकी इमरजेंसी है। और मैं चूँकि एडिक्शन फिजिशियन हूँ, तो ये जो मेन एंट्रेंस है उसके दाएं तरफ मेरा डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको डेफिनेटली किसी दिन उसकी भी सैर कराऊंगी। अभी तक तो आप ये देखिए कि चूँकि 9 बजे ये पूरी जगह जो है ये फुल हो जाती हैं। इस वक्त पार्किंग नीचे की फुल है, ऊपर की खाली है। तो मैंने अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी की है और अब हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। अब मैं अपना सामान निकाल लूँ जो हॉस्पिटल मुझे लेके जाना है। आज का बैग बहुत भारी है और ये देखिए मैं अपना बैग निकाल रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आफ्ताब ने इसमें क्या कुछ डाला है। इसमें मेरी किताबें जो मैंने रात को ही रख दी थी, अपने नोट्सबुक भी इसमें रख दिए थे, और खाने पीने की चीज़ें आफ्ताब की जिम्मेदारी होती है, जिसका मुझे कतन कोई इल्म नहीं है कि क्या है। मुझे लगता है कि आप देखिए कि आज बारिश के आसार लग रहे हैं, तो मैं छतरी डेफिनेटली साथ रखूँगी ताकि परेशानी ना हो। वापस भी तो आना है ना भाई। चलिए, हमने गाड़ी बंद कर दी है। अब मैं आपको अपनी जो रूफ पार्किंग है वहाँ से हम नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा वॉकिंग पाथ है और हम यहाँ पर हैं। तो मैं आपको और करीब से दिखाऊं। ये देखिए हमारी पार्किंग और मेरा हॉस्पिटल, बैंकस्टाउन हॉस्पिटल। ये हमारी छोटा सा पाथवे है जिस पे हम जाएंगे और चलते जाएंगे। देखिए, हम अब करीब से करीब तर होते जा रहे हैं अपनी मंजिल के। आप ही देखिए जगह जगह पर। मैं जब जापान गई थी तो जापान में एक और बात जो बड़ी अहम थी कि जो आपकी डायरेक्शंस जो थी वो उन्होंने कहीं कहीं पे रोड पर भी लिखी हुई थी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैसल की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो रोड पे भी लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लुक, यानी कि आप पेडेस्ट्रियन पे क्रॉस कर रहे हैं तो लुक लिखा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से उन्होंने उसकी डायरेक्शंस भी लिखी होती थी। बड़ा मुझे अजीब सा इतफाक़ हुआ और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ता भूल रहे हैं, तो आप फौरन ही अपने मैप से भी देख सकते हैं और ज़मीन पर भी उन्होंने डायरेक्शंस बनाई हुई होती हैं, तो ज़रा मुश्किल होता है। ये देखिए, मेरा हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस आ गया। ये देखिए मेन एंट्रेंस से राइट साइड पे मैं मुड़ूंगी तो हमारा हॉस्पिटल आ गया, मेरा यूनिट आ गया, मेरा मतलब है। आज मैं आपकी सैर बस यहीं तक रखूंगी, फिर किसी दिन मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग, फाइन, थैंक यू।
ये हमारा कोड आ गया और ये क्रॉस करने के बाद ये हमारा ट्रंक हेल्थ जहाँ पे मैं काम करती हूँ। ये हमारी एंट्री है आज यहीं तक, इंशाल्लाह किसी और दिन में आपको अंदर की भी सैर कराऊंगी। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, निगत तस्वीर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।